इसमें जा रहा है गाइस अब स्वाद अनुसार नमक। तो चावल डला चुका है, अभी थोड़ा सा पकने के लिए इसे छोड़ते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्यार करो सारे, हंसते हंसते मैं समय स्वागत करता हूँ हमारे एक फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है गाइस, आप लोग थंबनेल देख के जान ही चुके होंगे गाइस, बहुत लोग नहीं भी जाने होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि हमारे यहाँ अभी ग्यारह शरीफ का महीना चल रहा है गाइस, हमारा त्यौहार चल रहा है। इस महीने में किसी भी तारीख को हम लोग एक महीने के अंदर लंगर लुटाते हैं। तो आज संडे गाइस, तो मैंने सोचा कि आज ही ये चीज़ कर दिया जाए। तो आज मैंने लंगर रखा है अपने घर पर गाइस, आप लोग भी आ सकते हैं खाने के लिए। और खाने में क्या क्या बनने वाला है आगे ब्लॉग में पूरा बने रहेगा गाइस, आप लोगों को सब कुछ दिख जाएगा खाने में आज क्या क्या बनने वाला है, सब कुछ आज मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। तो फिलहाल अभी चलता हूँ मैं कुछ थोड़ा काम। तो किचन में बहुत जल्दी ठंडी लग रही थी हमें, तो मम्मी ने बाहर निकाला है धूप पे और धूप में ही बैठ के बना रही है। तो आपको देख के हम रसोई खाना गैस क्या क्या बन रहा है हमारे घर पे। तो गैस दो कढ़ाई चढ़ा हुआ है, दोनों कढ़ाई पे प्याज लाल होने के लिए डाल रहे हैं। मम्मी आज क्या बना रहे हैं? बिरयानी बना रहे हैं। आज हमारी त्यौहार है ग्यारह शरीफ है, आज हम लोग लंगर करेंगे। तो आज गाइस बिरयानी बनने वाला है और आप लोगों को गाइस रेसिपी देने वाला हूँ आज गाइस, आप लोगों को बताने वाला हूँ मम्मी के साथ साथ कि मम्मी बिरयानी बनाने में क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करती है। तो पूरा ब्लॉग बने रहे गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं मम्मी क्या क्या डाल रही है गाइस। इसमें गर्म मसाला जो है खड़ा मसाला वो डाला चुका है, दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग, इलायची सब डाल चुका है। और वो प्याज लाल कर रहे हैं हमारे भैया, और ये धनिया पत्ती, मिर्ची, प्याज और इधर रखा हुआ है गाइस, और बहुत ज़्यादा प्याज और चावल रखा हुआ है, नमक भी रखा हुआ है। तो गाइस इसमें बड़े बड़े मिर्ची मम्मी डाल रही है हल्के हल्के काट के। कढ़ाई बड़ा हो जा रहा है। गाइस ये घर का पिसा हुआ मसाला है मिक्सी में, उसे डाल रही है मम्मी अभी। हल्दी पाउडर गाइस, हम लोग 5 किलो का बिरयानी बना रहे हैं। और ये रहा क्या है मियो, अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट और गाइस वो भी घर से पिसा हुआ है। गाइस हम लोग 5 किलो का बना रहे हैं, बाकी आप जितना बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग डालिएगा अपने हिसाब से, हल्दी नमक प्याज लहसुन जो भी है ऐड होगा स्वाद अनुसार नमक। तो गाइस ये कढ़ाई में मसाला तैयार हो रहा था, इस कढ़ाई में हमारा चिकन तलेंगे। मम्मी इसमें चिकन डाल रही है, देसी मुर्गी का है गाइस ये चिकन हमारे घर का। इसमें जा रहा गाइस अब स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर। तो गाइस तो बिरयानी के लिए बड़े बड़े पीसेस में टमाटर काटे जा रहे हैं और मम्मी यहाँ डिजाइन बना रही है, पता नहीं क्या डिजाइन बना रही है। ये रही हमारे डिजाइन। चिकन यहाँ पे तैयार होने वाला ही है और यहाँ पे तेल डाल के बिरयानी का तैयारी चल रहा है। यहाँ पे मसाला मम्मी चुन रही है गरम मसाले। ये कुछ बिरयानी की रेसिपी है, सामान है जो तेज़पत्ता है, दालचीनी है, छोटा इलायची है, बड़ा इलायची है, ये कबाब चीनी है, लौंग है, ये सजीरा और ये प्याज है। एक एक करके अब इसके अंदर पहले गर्म मसाला डालते हैं। तो गाइस इसमें प्याज जा रहा है, अब इतना सारा प्याज है पूरा नहीं डालेंगे हम लोग। के अंदर जा रहा है पानी। एवरीवन बिरयानी का तैयारी चल रहा है, ये रहा चावल और मटर और ये रहा चिकन हमारा और ये रहा पानी जिसे तैयार है, अभी डालेंगे इसके अंदर।
चावल डला चुका है, अभी थोड़ा सा पकने के लिए से छोड़ते हैं। अभी बनने वाला है मीठा पुलाव। ये रहा पानी में कलर डाला गया है जलेबी रंग, और ये चावल, और ये रहा ड्राई फ्रूट्स, ये नारियल और ये संतरा। तो अभी बनाते हैं मीठा पुलाव। ये देखिए ये कलर आ चुकी है चावल पे, इसके अंदर ऐड होगा संतरा। ऐड हो रहा है ड्राई फ्रूट्स और नारियल। अब ऐड हो रहा है शक्कर। इसमें अभी गुलाब तोड़ता हूँ उसे सजाने के लिए। मैंने गुलाब तोड़ लिया, एक रेड और एक वाइट। तो फाइनली सारा कुछ बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए ये रहा बिरयानी और वो रहा मीठा पुलाव। सारा कुछ रेडी हो चुका है, अभी मौलाना साहब आएंगे और फातिहा कराते हैं उसके बाद। हरे हरम हरे शरफाते लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम। अभी हम लोग खाते हैं परिचित में बिरयानी जो बन चुका है, और मज़ा आ जाएगा। गाइस संदीप तो नहीं है, गांव गया है, तो अब उसे मिस कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं, हम लोग दोनों भी खाते हैं। तकरीबन हम लोगों ने पूरा खा लिया पेट भर के, मस्त का गाइस मज़ा आ गया। तो मैंने मेरे घर पे आज जो कुछ भी हुआ मैंने आप लोगों को शेयर किया। गाइस कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। तो आइयो सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।